हर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 30 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। सूची में 8 विधायक टिकट से वंचित कर दिए गए, इनमें 3 महिलाएं भी हैं। हालांकि 4 महिलाओं को भी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की पहली सूची में मंत्रियों मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को भी क्लियर कर दिया गया। आखिर पहली सूची में ही 8 विधायकों की टिकट काटने के पीछे क्या कारण है, ये हम आपको दिखा रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पहली सूची में नए चेहरों को तो अवसर दिया ही है, कई विधायकों के टिकट भी काट दिए हैं। इन विधायकों के टिकट कटने की अलग अलग वजह रही है, आइए जानते हैं कि टिकट कटने का क्या कारण था। पंडरिया से ममता चंद्राकर, क्षेत्र की जनता से जीवंत संपर्क नहीं, सर्वे रिपोर्ट भी अनुकूल नहीं, संगठन से दूरी, JCCJ नेताओं से संपर्क, खुजी से छन्नी साहू, कई मुद्दों में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, क्षेत्र में उनके खिलाफ आक्रोश। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा, छविंद्र कर्मा मां के स्थान पर टिकट देने का दबाव बनाए हुए थे, इसे लेकर परिवार में अंतर्कलह की स्थिति भी थी। चित्रकोट से राजमन बेंजाम, PCC चीफ दीपक बैज की परंपरागत सीट है, उनके फिर मैदान में उतरने की वजह से टिकट कट गई। डोंगरगढ़ से भुवनेश्वर बघेल, हर लोकसभा से 2 महिलाओं को टिकट के फैसले का शिकार, सर्वे रिपोर्ट में स्थिति कमजोर आकी गई। अंतागढ़ से अनूप नाग, क्षेत्र की जनता से जीवंत संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, क्षेत्र के अधिकारी भी नाराज रहे, इसलिए टिकट नहीं बची। नवागढ़ से गुरदयाल बंजारी, मंत्री गुरु रुद्र कुमार के नवागढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, क्षेत्र में उनका काफी विरोध भी था। कांकेर से शिशुपाल सोरी, उम्र का फैक्टर हावी रहा, कांकेर जिले के बड़े नेता से मनमुटाव भारी पड़ गया। कांग्रेस विधायकों की टिकट कटने पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस सरकार डर गई है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि केवल जीत को आधार मानकर टिकट दी जा रही है। मुझे लगता है कि वो अपनी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जीतने की क्षमता जिनकी होगी, पार्टी हाईकमांड उस पर तो निर्णय करेंगे ना। तो जहां जहां बदला गया है, तो जो जीतने वाली संभावनाओं वाली प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया गया है। अब इसमें मुझे लगता है कि उनको ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के बारे में, अपने हश्र के बारे में उनको सोचना चाहिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख करते हुए अंततः ले दे के 90 में से 30 प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस पार्टी जारी करने में सफल हुई है। कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है और सरकार की विफलता का ठीकरा कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों पर फोड़ा है। 8 विधायकों की टिकट कांग्रेस पार्टी ने काटी है, ये बताता है कि पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ वातावरण है। कांग्रेस के जिन 8 विधायकों को टिकट नहीं मिली है, उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भीतरघात की आशंका भी गहरा रही है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम में यह देखना होगा कि कांग्रेस को इस विशेष रणनीति का कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।